अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको मालूम है कि हम एक नए युग में जी रहे हैं। गत वर्ष कोरोना नामक एक भयानक बीमारी आई, जिस बीमारी ने हमारी दिनचर्या को पूरा बदल के रख दिया, खास करके सभी सेक्टरों के साथ स्कूली और कॉलेज शिक्षा का पूरा सिस्टम, पूरा साल इससे प्रभावित हुआ। पिछले साल ठीक परीक्षा के दरमियान एकदम अचानक से लॉकडाउन करना पड़ा, और लॉकडाउन के दरमियान हमारी जो परंपरागत रूप से होने वाली परीक्षाएं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, क्योंकि हम समझ नहीं पाए थे कि ये परीक्षाओं को हम कब तक स्थगित रखेंगे, और अगर स्थगित नहीं रखेंगे तो इसको करेंगे कैसे। आपकी सबकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली बार जब हमने अपने शैक्षणिक सत्र को चालू रखने के लिए परीक्षाओं का काम हाथ में लिया, और हमने कोशिश की कि हमारे यहाँ परीक्षाओं का संचालन होना चाहिए, और आपको जानकारी में कि मध्य प्रदेश में खास करके उच्च शिक्षा को मामले को लेकर के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने निर्णय लेने के लिए आसपास के राज्यों को देखा कि इस कोरोना काल में वो कैसे परीक्षा कराएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात सहित बंगाल, छत्तीसगढ़, कोई राज्य परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं था। ऐसे में एक यक्ष प्रश्न था कि परीक्षा का संचालन किस प्रकार से कराया जाए। एक तरफ हमारे अपने बच्चों की, युवाओं की भविष्य का सवाल था कि उनको भविष्य में हम उनको आगे अपनी कक्षाओं से आगे बढ़ाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाएं। एक तरफ कोरोना जैसी बीमारी थी कि अगर परीक्षा हाल में देने के लिए आएंगे तो उनके जीवन के रक्षा के दृष्टि में कैसे क्या काम करेंगे। कमोवेश उस पूरी कठिन परिस्थिति में हमने निर्णय लिया था कि हमने ओपन बुक परीक्षा प्रणाली गत वर्ष अपनाई थी, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इधर पीजी की प्रीवियस परीक्षा, इस पर हमने उनका आंतरिक मूल्यांकन का मार्ग अपनाते हुए मात्र पीजी और यूजी की फाइनल की परीक्षा ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से परीक्षा ली गई थी। फिर हमारी इस परीक्षा प्रणाली में ओपन बुक परीक्षा प्रणाली एक नई तरह की परीक्षा प्रणाली थी। 1947 के बाद पहली बार यूजी पीजी की परीक्षा ओपन बुक परीक्षा प्रणाली से ली गई। उस समय में मैंने कहा था कि हम परीक्षा प्रणाली पर भी विचार करना पड़ेगा भविष्य में। अब हमारी जो परंपरागत परीक्षाएं होती है, आमतौर पर दो तरीके की परीक्षा होती है, या तो ओपन बुक होती है और एक अपनी क्लास में होती है, लेकिन इनके बीच में भी तीसरा मार्ग निकालने की जरूरत है। उस मार्गों के आधार पर खास करके यूजी पीजी की फाइनल की एग्जाम हमने पिछली बार ली थी, लेकिन उसमें 50% मार्क्स हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के प्रीवियस के, अर्थात जो बच्चा सेकेंड क्लास है, उस सेकेंड क्लास बच्चे को फाइनल की परीक्षा में ओपन बुक से मौका जरूर दे रहे थे, लेकिन उसका एवरेज हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बेस ले रहे थे। अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चा फर्स्ट क्लास है तो फाइनल में भी 50 नंबर का उसका हमने अंक दे करके उसको फर्स्ट क्लास में लाने का प्रयास किया। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बच्चा सेकेंड क्लास है, थर्ड क्लास है, तो कोशिश ये की गई कि वो अपने जिस ग्रेड में है उस ग्रेड से मिला करके उसको अंकों का दिया जाए। अब ये कहने के लिए कह दिया, लेकिन ये बड़ा कठिन काम भी था, चुनौतीपूर्ण भी था, क्योंकि हर बच्चे की परीक्षा के परिणाम घोषित करने के पहले उसका पुराना रिकॉर्ड डाटा निकाल करके सामने रखना, हर एक बच्चे की परीक्षा के लिए सारा रिकॉर्ड सामने रख करके उसके 50% मार्क्स बनाना, और बाद में जो ओपन बुक परीक्षा प्रणाली हुई, उस परीक्षा प्रणाली में भी हमने कहा था कि अब हमको कॉलेज के बजाय आप हायर सेकेंडरी स्कूल तक भी अपनी कापियां जमा कर सकते हो। अर्थात भोपाल का बच्चा अगर रीवा में है बैठा हुआ, तो हमने रीवा तक के अंदर भी छूट दी, सीधी सिंगरौली में भी वो कोई हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर अपनी परीक्षा की कापी ओपन बुक के माध्यम से जमा करा देगा, तो वहाँ पर भी उसका परीक्षा की कॉपी कलेक्शन का हमने अधिकार दिया था। ये एक अपने आप में एक नया तरीका था, बड़ा अनूठा तरीका था, लेकिन इसको हमने सफलता के साथ संचालित करवाया, और हमारी यूजी पीजी की जो परीक्षाएं हुई, लगभग 6,72,000 बच्चों ने उस समय उस परीक्षा को अंदर भाग लेकर के अपने रिजल्ट की तरफ वो बढ़े, और यही कारण था कि हमारी इस ओपन बुक परीक्षा प्रणाली को हमारे बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित राजस्थान और कई राज्यों ने उस परीक्षा प्रणाली को अपनाया था। हमने भी ये माना था कि ये परीक्षा प्रणाली वर्तमान के दौर में एक नया प्रकार है, लेकिन नया प्रकार के बावजूद भी मूल्यांकन के लिए एक बेस तो देती है, क्योंकि बच्चे तो मांग कर रहे थे कि हमको जनरल प्रमोशन कर दो,
लेकिन यूजी और पीजी की फाइनल की स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं को अगर जनरल प्रमोशन की मार्कशीट से दे देंगे तो किसी प्रकार से उपयोगी नहीं थी, क्योंकि जनरल प्रमोशन पे अर्थात जीपी लिखा हुआ है, उसका मूल्यांकन का कोई अंक नहीं है, और हमको मालूम है कि यूजी पीजी की फाइनल की परीक्षा की मार्कशीट ये उसके करियर के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखती। कई सारे छात्र संगठन, माननीय विद्यार्थी परिषद और बाकी सारे लोगों ने भी आह्वान किया था कि हमको कठिन काल जरूर है लेकिन बच्चों का भविष्य की दृष्टि से इस तरह की परीक्षा प्रणाली लेना चाहिए जिसमें उनका मूल्यांकन का उनके अंदर में भी एक आत्मस्वाभिमान भी होना चाहिए, गर्व भी होना चाहिए, और बच्चों का जो हम उनका अपना कैरियर है उस कैरियर में उसकी पहचान भी होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाद के काल में भी हमने अपनी जो परीक्षाओं का जो सिस्टम था वर्चुअल के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया, और हमने तय किया था कि ये साल हम परीक्षाएं ऑफलाइन लेंगे, पेन पेपर के माध्यम से लेंगे, और उसकी हमने तैयारी भी कराई। अलग अलग विश्वविद्यालयों को सबको निर्देश भी जारी थे। माननीय महामहिम हमारी आनंदीबेन पटेल साहब, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, सब लोगों की इच्छा थी कि इस साल की हमारी परीक्षाएं सामान्य तरीके से होना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि अब वापस विगत 15 दिन से कोरोना का कष्ट वापस एक अलग रूप में आया है। ऐसे में उस कोरोना के कारण से होने वाली परीक्षाओं पे पुनः प्रश्न खड़ा हुआ और बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश से वापस मांग उठने लगी कि ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से ही हमारी परीक्षा का मूल्यांकन करा लिया जाए। ऐसे में हमने दोबारा आज अपनी उच्च स्तरीय बैठक माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में आज बुलाई थी। उस बैठक में निर्णय किया गया कि लगभग हमारे पास, अगर डाटा की बात करें, तो हमारे पास स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष में 14,88,958 विद्यार्थी है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, अर्थात फर्स्ट ईयर में 5,33,450, सेकेंड ईयर में 5,25,210 और थर्ड ईयर में 4,30,298, और कुल मिलाकर के स्नातक स्तर के ये 14,88,958 विद्यार्थी होते हैं। इसी प्रकार से सेमिस्टर स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में सेकंड सेमिस्टर में 1,35,483, चतुर्थ सेमिस्टर में 1,72,634, दोनों का योग होता है 3,08,117। फिर इस पे कुल मिलाकर परीक्षार्थी होते लगभग 18 लाख के आसपास, 17,97,075। ये हमारे अपने कुल मिलाकर के हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों की संख्या इस साल में परीक्षा में बैठने वालों की संख्या है। इस परीक्षा की अवधि भी अलग अलग विश्वविद्यालयों ने अलग अलग, जैसे 2 अप्रैल से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने परीक्षा अनाउंस की है, हमारी बरकतुल्ला की कमोबेश उसके आसपास की तारीख है, कहीं ने 10 अप्रैल से, कहीं ने 20 अप्रैल से, अलग अलग विश्वविद्यालयों ने अपनी अपनी परीक्षा का परीक्षाक्रम घोषित किया हुआ है। आज की बैठक के बाद मैं आपके माध्यम से ये सबको जानकारी देना चाहूँगा। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय किया है कोरोना के कठिन परीक्षा की एक चुनौती भी हमारे सामने है, और हमको हमारे बच्चों का ध्यान रखते हुए कोरोना से बचाव भी करना है और उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ भी नहीं करना है। इसीलिए आज के इस अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि हम अपने बच्चों के लिए, खासकर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो बीए बीकॉम बीएससी या टेक्निकल साइड से भी बच्चे हैं, उन सभी के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की परीक्षा को ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से करने वाले हैं। अर्थात हम जैसे हमने लास्ट ईयर पीजी और यूजी की फाइनल की परीक्षा, जैसे बीए बीकॉम बीएससी की फाइनल की परीक्षा में ओपन बुक का उनको चांस दिया था, इस बार हम इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हुए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सारे विद्यार्थियों के लिए मई माह में वो ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से अपनी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 14,88,958 विद्यार्थी स्नातक स्तर के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, इसी प्रकार से स्नातकोत्तर स्तर के द्वितीय सेमेस्टर के 1,35,483 विद्यार्थी अपनी ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से इस परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। इसी प्रकार से यूजी के अर्थात स्नातक स्तर के तृतीय वर्ष के विद्यार्थी 4,30,298, ये सभी विद्यार्थी जून माह में ऑफलाइन अर्थात पेपर पेन से इनको परीक्षा देना रहेगी। अब की बार ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के बजाय जो स्नातक स्तर के फाइनल के विद्यार्थी हैं उनको कॉलेज में जाकर के सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोरोना के आधार पर
अपनी परीक्षा में बैठने के लिए कॉलेज तक आना पड़ेगा, लेकिन 2 माह अभी है, लगभग जून में हम इनकी परीक्षा का आयोजन करेंगे, तब तक मई में हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष की परीक्षाओं का ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से परीक्षा करा चुके होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुल मिलाकर के जो हमारा वर्तमान का अभी परीक्षा का ये जो सिस्टम बना है, इस परीक्षा प्रणाली में हमने एक तरह से पुनः लीड लेते हुए, क्योंकि आसपास के कई राज्यों ने अभी परीक्षा संबंधी कोई निर्णय नहीं किया, ऐसे में हमारा प्रयास है कि कुछ कुल मिलाकर के जो हमारी चुनौती वाला दौर है, उस चुनौती वाले दौर में हम अपने बच्चों के भाग्य के साथ खिलवाड़ न करते हुए उनको कोरोना से भी बचाएँ और उनकी स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं का ठीक प्रकार से संचालन कर पाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने वर्तमान माहौल में निर्णय लिया है, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा, सभी विद्यार्थी अपने अपने तरीके से पढ़ने के लिए वो अपने योग्य संसाधन के आधार पर कोरोना से बचाव को लेकर के पुनः लगे। अप्रैल माह में जो हमने परीक्षा की बात करी थी वो थोड़ी सी आगे बढ़िए, वो कोरोना के कारण से कई जगह लॉकडाउन हो रहा है, कई जगह रुकने की दिक्कत है। ऐसे में आपको बताना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों को रहने की दिक्कत है, खासकर कि जिनकी ऑफलाइन परीक्षा होगी, वो यूजी और पीजी के फाइनल विद्यार्थी, स्नातक और स्नातकोत्तर के बच्चे, उन सबके लिए हॉस्टल की सुविधा हम देने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे जिनको पढ़ाई के लिए हमको अपने घर से ही उनको ओपन बुक परीक्षा प्रणाली का हमने लाभ दिया है, उनको हॉस्टल तक आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना के कठिन काल में हॉस्टल में आमतौर पर 10 कमरों के बीच में एक प्रसाधन की सुविधा होती है, ऐसे में ऐसी जगह पर ज़्यादा कोरोना का कष्ट बढ़ने की संभावना रहेगी। इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अपने इस कोरोना के कठिन काल में भी शैक्षणिक स्तर पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज न करते हुए अगला सत्र समय पर प्रारंभ कर दें। इसी कारण से आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में निर्णय लिया है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर पूरे प्रदेश के विद्यार्थी वर्ग को आह्वान करता हूँ, उच्च शिक्षा विभाग उनके भाग्य के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, वो अच्छी बेहतर तैयारी करे। ओपन बुक परीक्षा प्रणाली का मतलब भी ये नहीं कि वो कापी में करने के लिए बैठ जाए। ओपन बुक परीक्षा प्रणाली में ऑब्जेक्टिव टाइप अधिकांश क्वेश्चन होंगे, जिसमें बच्चा जो पढ़ेगा पूरी किताब तभी वो अपनी परीक्षा को दे पाएगा। इसमें कोई चैप्टर की चैप्टर के आधार पर वो कापी कर देगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली। वैसे गत वर्ष के आधार पर जिन जिन बच्चों ने परीक्षा दी है, वो लगभग 6 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने पूरे प्रदेश में माहौल बनाया है कि ओपन बुक परीक्षा प्रणाली भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा प्रणाली है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कई देश दुनिया के आमतौर पर ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से ही वो परीक्षा कराते हैं। हमारे लिए तो ये नया प्रयोग गत वर्ष से किया है कि हमने परीक्षा रिफॉर्म कमेटी भी बनाई है, जो आने वाले समय में परीक्षा का मूल्यांकन का और कौन कौन सा तरीका हो सकता है उस पर हमको आगे आने वाले समय में तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के कठिन काल के कारण से आने वाले समय में अब हमको इसी के साथ जीना है और इसी के साथ इन व्यवस्थाओं का संचालन भी करना है। तो बेहतर ये होगा कि हम अपने मार्ग खुद खोजें और उन मार्गों पर चलने का प्रयास करें। देखिए, ये मैंने फिर कहा है कि परीक्षाओं को शहरी क्षेत्र वाले ऑनलाइन कराने की बात करते हैं, लेकिन हमको अगर पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो हमको झाबुआ, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, उज्जैन, कई सही भोपाल के भी ग्रामीण क्षेत्र में सबदूर नेटवर्क मिलेगा, सब बच्चे दे पाएंगे, सबके पास सुविधा है। ये आमतौर पर टेक्निकल कॉलेजों में तो एक बार हो सकता है, लेकिन ये प्लेन डिग्री कोर्स में इसकी बहुत दिक्कत है। इसलिए हमको सामूहिक रूप से निर्णय लेना पड़ रहा है कि हम ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से ऐसे बच्चे जो दूरस्थ गाँव में भी बैठे हैं, तो वो उनको गाँवों के अंदर अपनी परीक्षा में ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से सम्मिलित हो जाए, और जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं वो भी इसका लाभ ले। लेकिन यूजी पीजी के लिए वो कहीं से भी है, वो आकर के अपने कॉलेजों के अंदर जो निर्धारित परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, उस परीक्षा केंद्रों में वो परीक्षा दे पाएंगे। धन्यवाद।